भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज झुंझुनू के असली सर में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा में विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री सुभाष महेरिया, जिलाध्यक्ष पवन मावड़िया सहित कई नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर राजेंद्र राठौड़ ने न्यायपालिका पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी को लेकर कहा कि गरिमा के पद पर बैठे लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। राजस्थान का ये परंपरागत इतिहास है, यहाँ सत्ता बदलती है जनधारणा से, सत्ता बदलती है सत्ता विरोधी आक्रोश से, के उनके अपनी मजबूती से, भारतीय जनता पार्टी के धरातल के काम से और मोदी जी के नाम और काम से। ये कारक होंगे जो सत्ता को बदलेंगे, लेकिन इस सरकार ने किसानों से ठगी की, बेरोजगारों से वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था सारी हदें लांग गई, थानों की पंचलाइन बदल गई, जहां लिखा होता है आमजन में विश्वास अपराधियों में भय, अब अपराधियों में विश्वास है आमजन में भय है। ऐसी सरकार का विदा होना राजस्थान के हित में है। चार का तांडव हम देख रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी पर आरोप लगाता है और आरोप लगाकर कहता है कि मंत्री तक पैसा जाएगा, हमें पैसा देना पड़ता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है और कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते न्यायपालिका पर। सिर्फ प्रिविलेज है तो विधानसभा में है और लोकसभा में है, बाकी कोई भी बयान उनके निर्णय पर नहीं दिया जा सकता। ये पहला मौका है भ्रष्टाचारियों को, जो आने वाले समय में जिनके विरुद्ध में कार्रवाई न्यायपालिका कर सकती है उसकी उनके लिए बुनियाद रख रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो, इसलिए इस प्रकार का वातावरण अशोक गहलोत बना रहे हैं।